शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे सोनम वांगचुक जी और लद्दाख के लोग, जो कल 2 अक्टूबर को बापू की समाधि पे दर्शन करने जा रहे थे, उनको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। ना सिर्फ इतना, हालांकि पुलिस ने पुलिस स्टेशन में मेरी एंट्री करवाई, उन्होंने मुझे सोनम वांगचुक जी से मिलने नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। हम सोनम वांगचुक जी का पूरा समर्थन करते हैं। लद्दाख में एलजी राज खत्म होना चाहिए और उसी तरह दिल्ली में भी ये एलजी राज खत्म होना चाहिए। 1947 में इस देश के लोगों को आजादी मिली है, इस देश के लोगों को वोट का अधिकार मिला है, इस देश को संविधान ने लोकतांत्रिक अधिकार दिए हैं। लेकिन चाहे लद्दाख में हो, चाहे दिल्ली में हो, लद्दाख के लोगों के वोट का अधिकार छीना गया, सारे अधिकार एलजी साहब को दिए गए। दिल्ली के लोगों के वोट का अधिकार छीना जा रहा है और एलजी साहब को अधिकार दिया जा रहा है। अभी भी मुझे पूरा भरोसा है कि एलजी साहब का ही फोन आया होगा इन पुलिस अफसरों को। ये पुलिस अफसरों की तो गलती नहीं है, इनके पास एलजी साहब का फोन आया होगा कि चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को सोनम वांगचुक जी से नहीं मिलने दिया जाए। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, उनके गिरफ्तारी की घोर निंदा करते हैं और हम लद्दाख के लोगों की मांग के साथ हैं कि एलजी राज खत्म होना चाहिए, एलजी राज लद्दाख में खत्म होना चाहिए, एलजी राज दिल्ली में खत्म होना चाहिए, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और दिल्ली को भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। मैम, आपकी पुलिस से बात हुई कि क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है या उन्हें कब तक छोड़ेंगे, ऐसी इस बारे में कुछ बात हुई आपकी? देखिए, पुलिस वाले क्या बताएंगे, उनको जब एलजी साहब से फोन आ गया होगा कि नहीं मिलने देना है तो वो कैसे मिलने देंगे। जैसा मैंने कहा कि आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या करने में, वोट के अधिकार छीनने में, संविधान को भंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री हूं, यहां पे सोनम वांगचुक जी आए हैं जो एक जाने माने पर्यावरणविद हैं, जाने माने शिक्षाविद हैं। यहां पे लद्दाख से हमारे 150 भाई बहन आए हुए हैं, क्या हमें इन्हें मिलने का अधिकार नहीं? इनको क्यों गिरफ्तार किया गया? मुझे इन्हें मिलने से क्यों रोका जा रहा है? सिर्फ इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निहत्थे आम लोगों की आवाज से डरती है, लोकतंत्र से डरती है। और आज मैं ये दावे के साथ कह रही हूँ कि ऐसी ही भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही रही, लद्दाख से भी एलजी राज खत्म होगा, दिल्ली से भी एलजी राज खत्म होगा और यहाँ पे केंद्र सरकार से भी भारतीय जनता पार्टी का राज खत्म होगा। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।